नमस्कार मैं हूं फरहान और एस पी एन नाइन के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है किस तरह महाराष्ट्र की राजनीति ने एक नाटकीय मोड़ लिया जिस नाटकीय ढंग से महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर एक घमासान मचा हुआ था सियासी घमासान मचा हुआ था उसने एक और नाटकीय मोड़ लिया आपने कल देखा बीते कल किस तरह देवेंद्र फडणवीस ने अपना इस्तीफा दिया खुद अजीत पवार जो कि डिप्टी सीएम थे उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया उसके बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारे दल सारे दल रजामंद हो गए और उन्होंने उद्धव ठाकरे ठाकरे को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया है उन्हें अपना बहुमत भी प्रस्तुत करना होगा जिसके लिए राज्यपाल ने उन्हें समय दिया है लेकिन हम इस दौरान देखेंगे जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि यदि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करती है तो क्या उसके मतदाता नाराज़ हो जाएंगे क्या उसके खुद के विधायक या उसके पार्टी के सदस्य कार्यकर्ता क्या इस बात से खुश रहेंगे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए यही बातें सामने आ रही थी कि जो मतदाता अब तक जब शिवसेना भाजपा के साथ गठबंधन में थी 2014 के लोकसभा चुनावों में भी गठबंधन में थी और 2019 में भी जहां एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस की पुरानी नीतियां जब कांग्रेस सरकार में रही कांग्रेस की नीतियों का लगातार उन उसकी बुराइयां चल रही थी निंदा हो रही थी आलोचना की जा रही थी कांग्रेस को हर बार घेरे में लिया जा रहा था तो क्या अब वह मतदाता खुश होंगे क्या वह जो गलियारों में बैठ गलियों में बैठ कर बातें करते थे जो कार्यकर्ता अपनी मीटिंग्स में अपनी बैठकों में कांग्रेस की बुराइयां करते थे क्या वे कांग्रेस की अच्छाइयां करेंगे और उसके अच्छे कामों को भी गिनाना शुरू कर देंगे यह समस्या सबसे ज़्यादा जो आड़े आ रही थी सामने आ रही थी वह यही समस्या थी और लग रहा था कि कौन इसका विरोध करेगा लेकिन विरोध करने के लिए एक नाम सामने आ गया है युवा विंग है जो शिवसेना का उसमें रमेश सोलंकी नाम के कार्यकर्ता हैं जो बेहद करीबी माने जा रहे हैं आदित्य ठाकरे के और खुद उद्धव ठाकरे के उन्होंने युवा विंग से इस्तीफा दे दिया है उन्हें यह बात बिल्कुल रास नहीं आ रही है कि शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन कैसे कर सकती है जबकि उसको एक समय तक और अब तक मौजूदा समय तक जब भी चुनाव हुए और कहीं के भी चुनाव होते हैं किसी भी राज्य के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोही पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती रही है भारतीय जनता पार्टी वहीं शिवसेना भी उसके बयानों पर कभी उसने उंगली नहीं उठाई और हमेशा उसके बयानों पर उसका साथ दिया है तो क्या आप उसी राष्ट्रद्रोही पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार चलाई जाएगी शायद यह बात अभी और भी ऐसे मौजूद होंगे कार्यकर्ता पार्टी के अंदर या ऐसे विधायक होंगे ऐसे सांसद होंगे जिनको यह बात पसंद नहीं होगी कि शिवसेना कांग्रेस से हाथ मिलाए फिलहाल तो रमेश सोलंकी का नाम सामने आया है लेकिन आगे ऐसे और कितने नाम आने बाकी हैं और कितने नाम ऐसे सामने आएंगे जो शिवसेना के साथ अपना नाता तोड़ देंगे और वह नहीं चाहते कि शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन करे आपने देखा कल किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दिया और यह सरकार क्यों बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने अहम मुद्दा यह उठता है कि यह सरकार क्यों बनाई थी जब उन्हें खुद पता था शायद उनके पास बहुमत नहीं है लेकिन अजीत पवार ने शायद उनको धोखा दिया या अजीत पवार की बातों में आ गए या फिर जो कि अमित शाह ने पहले कहा था कि शपथ लेंगे तो देवेंद्र फडणवीस ही शपथ लेंगे या उस अपनी बात को पूरा करने के लिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई अस्सी घंटों के अंदर मात्र अस्सी घंटों के अंदर ही यह सरकार गिर गई अब शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन कितने समय तक चलेगा कितना लंबा चलेगा जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस गठबंधन को लेकर लगातार उंगली उठाती आ रही है तंज कसती आ रही है कि शायद यह गठबंधन नहीं टिकेगा क्या इसका हाल भी कर्नाटक की तरह हो जाएगा गठबंधन गिर जाएगा और नंबर वन पार्टी को सरकार बना बनाने की अनुमति दी जाएगी तो इस संबंध में आप हमें बताएं कि क्या कांग्रेस के साथ शिवसेना का गठबंधन सही है क्या उसके मतदाता नाराज नहीं है कुछ ऐसे अपवाद ही हैं जो इस गठबंधन को लेकर जिनको दुख है अफसोस है और क्या उसके समर्थकों में खुशी भी होगी कि अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे तो इस संबंध में अपनी राय हमें अवश्य दें कि क्या शिवसेना के नए मुख्यमंत्री जो अब अब महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं शिवसेना से उद्धव ठाकरे तो क्या यह पाँच साल सरकार चला पाएंगे या फिर नहीं चला पाएंगे क्या आने वाले समय में और भी कार्यकर्ता और भी सदस्य इस्तीफा देंगे शिवसेना से और यदि यह सरकार चलती है तो क्या अगले चुनावों में शिवसेना को इसका के ऊपर इसका असर आएगा या फिर इन पाँच सालों में शिवसेना कुछ ऐसा कर देगी कि महाराष्ट्र की जनता का दिल जीत लिया जाएगा और यह गठबंधन शिव महाराष्ट्र में आगे तक चलता रहेगा या फिर शिवसेना संपूर्ण बहुमत से सरकार भी आने वाले समय में ला सकती है इस संबंध में अपनी राय हमें अवश्य दें कमेंट बॉक्स पर दें हमारे हमें मेल कर कर भी इसकी राय दे सकते हैं और कौन सा विषय ऐसा है जो हमसे छूट रहा है महाराष्ट्र चुनावों को लेकर या हिंदुस्तान के किसी भी अहम मुद्दे को आप हमें बता सकते हैं जो हम उस पर पर हम कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं तो हम उस पर भी कार्यक्रम करेंगे और रही बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो बनने वाले हैं तो उसके संबंध में अपनी राय हमें आप अवश्य दे सकते हैं लगातार दे सकते हैं तब तक, तक के लिए इजाजत चाहूंगा नमस्कार